नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त। ये जो देख रहे हैं प्लांट, ये मेरा शीम का प्लांट है। देखिए, इसको भी मैंने एक पक्का, मेरा छत के ऊपर एक टॉप है, पक्का टॉप, इसमें मैंने लगाया है। ये बहुत बड़ा नहीं है, देखिए, ये एक टाइप वाइन है, ये चढ़ने वाला पौधा है। देखिए, ऊपर चढ़ गया है, बहुत सारा फ्लावर है। और इधर देखिए कितने सारा, ये बड़ा शीम है। देखिए फ्रेंड, ये विंटर में लगने वाला प्लांट है। आप चाहे तो घर पे ये सब्ज़ी आप उगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसका जो मिट्टी है, देखिए ये मिट्टी, देखिए इसमें मैंने 60% गार्डन सॉइल मिलाया है। और इस पर मैंने 20% काउडंक, डी कम्पोस्ट काउडंक, और 20% मैंने रिवर सेंड है मेरे पास बजरी, वो मिलाया है। देखिए फ्रेंड्स, ये शीम का क्वालिटी भी कितना अच्छा है, और इतने छोटे से प्लांट में भी कितना सारा शीम है। फ्रेंड, अगर आप अपनी जो गार्डन है, वेजिटेबल गार्डन या रूफ है, लगाना चाहते हैं ऐसे शीम, तो आप लगा सकते हैं। छोटे से गमले में भी उग जाता है ये, देखिए इधर और है। अगर आपको इसका सीड रखना है, सीड कैसे रखेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए, मैंने एक सीड रखा हुआ है इधर, इसको मैं अगले साल के लिए संभाल के रखूँगी। ये देखिए, इसको बहुत सारा धूप चाहिए, धूप रहेगा इस प्लांट पे तभी इस प्लांट इतना सारा वेजिटेबल आपको देगा। अगर धूप नहीं रहेगा तो ये वेजिटेबल आपको नहीं देगा। ये देखिए, इधर भी कितना सारा सीम लगा हुआ है। ये इधर, ये देखिए लगने वाला है, और भी सारा फूल है, और भी बहुत सारा शीम लगेगा। इधर भी है। इसमें इस विंटर में ये जो प्लांट है, इसमें बहुत सारा जो छोटा छोटा कीड़ा है वो लग जाता है, काला काला छोटा छोटा कीड़ा, या कुछ भी कीड़ा लग जाए तो क्या करें आप, इससे इसमें नीम ऑयल का छिड़काव करें। 1 लीटर पानी में 10 ml नीम ऑयल लेके आप इसको स्प्रे करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें मैंने महीने में एक बार इसका जो मिट्टी है वो मैं गुड़ाई करके इसमें डी कम्पोस्ट काउडंग पिलाती हूँ। गुड़ाई करेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा आपका जो प्लांट का रूट है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कभी जब भी फर्टिलाइज़र मिलाए आप मिट्टी में, तो गुड़ाई करना ज़रूरी है। गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइज़र अच्छा से देकर उस मिट्टी से मिलाकर फिर पानी डालें। देखिए ये मेरा शीम, मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अभी ये खाने के लिए रेडी हो गया है। देखिए कितना सारा है, देखिए। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो लेके मैं आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।